नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज की हमारी रेसिपी है कद्दू का चीला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी रेसिपी। कद्दू का चीला बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी कद्दू लिया है और इसमें मैंने 4 हरी मिर्ची कट करके डाल दी है। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। तो मसालों में मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच का 1/8 हिस्सा हल्दी, 1/2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। और अब इसमें मैं आवश्यकता अनुसार बेसन डाल करके और इसका मीडियम घोल बना लूँगी, जैसा हम चीले का बनाते हैं। तो बेसन और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी इसमें, एकदम से नहीं। और इस तरह का बैटर बना करके तैयार कर लेना है जिसमें से कद्दू और बेसन का घोल हाफ हाफ होना चाहिए। और मैंने अभी यहाँ पे घी डाल दिया है और इसको फैला दिया है चारों तरफ। और अभी मैं बैटर लूँगी 1 चम्मच भर के और तवे पे फैला दूँगी इस तरीके से। तो तवे को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था डालने से पहले, और उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है और इसके चारों तरफ मैं डाल दूँगी घी। और बिल्कुल स्लो आंच पर ही तब तक पकाऊंगी जब तक इसका ऊपरी परत सूखी सूखी ना हो जाए। और इसके बाद मैं इसको पलट दूंगी, और पलटने के बाद मैं गैस को मीडियम या फिर स्लो, जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसा कुरकुरा चीला आपको चाहिए वैसा सेक लो। तो पलटने के बाद में भी मैं इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घी डाल दूंगी और इसको सिकने दूंगी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। तो बस चीला मेरा बन करके रेडी है, अब इसको हम सर्व करते हैं। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर पे ये टेस्टी चीला, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही में दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो उन्हें कीजिए लाइक, कुछ शेयर, और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।